जेडे किसान यूनियन के संघर्ष के शहीद होए हैं उन्होंने नौकरी से जो निर्धारित मुआवजा उन्होंने सारियां दिता जाएगा। किसानों की जिहड़ी फसल इस साल आई है इस गल नूं सारियां यूनियन ने मन्निया, किसानों ने मन्निया कि इस बार अगे नालों बहुत वधिया फसल किसानों की वधिया तरीके नाल चक्की गई है। सही टाइम ते पेमेंटा हुई है। एपी स्कीम के तहत 500 किसानों ने मीटर लए है सब्जी लाने वाले ने या कोई होर 37,000 रुपया भी लाउंदा है। किसानों की मंग सी कि 500 मीटर भी फ्री कर दिते जान, किसानी दे काम आउंदे है, फसल बीजदे है, इस करके असी 500 मीटर भी जिहड़े उहनां दे फ्री कर दांगे। कि असी पंजाब दे विच चाहुंदे हैं कि पंजाब दे ही नौजवान भर्ती होण, उहदे वास्ते असी हफ्ते दे विच विच नवां कानून लैके आ रहे हैं जिहदे नाल पंजाब दे विच पंजाब दे ही नौजवान भर्ती होणगे। जिन्नी देर तो संघर्ष चल रहा है बहुत सारे परचे पंजाब सरकार वालों किसानों से किए गए हैं। ऐसी जिहड़ा भी परचा किसान अंदोलन के नाल संबंधित है वह सारे परचे रद्द कर रहे हैं। उन्होंने 17,000 रुपया 12,000 की बजाय 17,000 रुपया कुल है जिहड़ा वो मुआवजा देवांगे। ते नाल नाल जेड़ा मजदूर नरमे नूं चुगदा जिहनूं चोगा कहिंदे आ उहनूं 10% मुआवजा इस तों उपर दित्ता जाएगा। उहनां नूं भी 10% मुआवजा जिहड़ा सरकार देगी जिहड़ा कि असीं डीसीआं दे दफ्तरां दे विच पैसे भेज दित्ते आ। इस तों इलावा जिन्ने भी किसानी संघर्ष दे विच किसान शहीद होए है ऐसी किसान यूनियन नूं कहा है कि तुसीं सर्टिफाई करके सानूं लिस्ट दे दो। जिहड़ी लिस्ट वो देणगे ऐसी उन्हां सारे किसान या मजदूर जिहड़े किसान यूनियन दे संघर्ष दे विच शहीद होए है उन्हां नूं नौकरी ते जो निर्धारित मुआवजा उन्हां सारियां नूं दित्ता जाएगा। गन्ने दा 360 रुपये रेट किया गया है, उहदे विच पहला 310 सी, 50 रुपये जिहड़ा वधिया है उहदे चों 35 रुपये सरकार पाएगी, 15 रुपये गन्ना मिल पाउणगे। तो यह भी असी उन्हां दी मन जिहड़ी है मन ली है ते उन्होंने काउंटर पेमेंट करने नूं कहा है। किसानां दी जिहड़ी फसल इस साल आई है इस गल नूं सारियां यूनियनां ने मन्निया, किसानां ने मन्निया कि इस बार अगे नालों बहुत वधिया फसल किसानों की वधिया तरीके नाल चक्की गई है। सही टाइम ते पेमेंटा हुई हैं, कोई बिघन नहीं पिया, कोई हड़तालां या संघर्ष करने की लोड़ नहीं पई। इस बार सरकार ने पिछले 20 सालों के सब तो वधिया तरीके दे नाल फसल चक्की है। फिर भी जिहड़ी हुण फसल अजे कोई रहिंदी है वो असी अगले 3 या 4 दिन चक देवांगे। एक एपी स्कीम के तहत 500 किसानों ने मीटर लए है सब्जी लाने वाले ने या कोई होर 37,000 रुपया भी लाउंदा है। किसानों की मंग सी कि 500 मीटर भी फ्री कर दिते जान, किसानी दे काम आउंदे है, फसल बीजदे है, इस करके असी 500 मीटर भी जिहड़े उन्होंने फ्री कर दांगे। उन्होंने जिहड़ी है वो फ्री बिजली किसानों पानी लाने लई मिलिया करेगी। इस तों इलावा भर्ती की उन्होंने गल की सी, तुसी मेरा बयान पहला भी 2-4 दिन पहला देखिया कि असी पंजाब दे विच चाहुंदे हैं कि पंजाब दे ही नौजवान भर्ती होण, उहदे वास्ते असी हफ्ते दे विच विच नवां कानून लैके आ रहे हैं जिहदे नाल पंजाब दे विच पंजाब दे ही नौजवान भर्ती होणगे। सो ये अज मैं तुहानूं दसणा सी। एक होर वड्डी गल जिहड़ी किसानां ने साथों मंग कीती सी कि पिछले जिन्नी देर तो संघर्ष चल रहा है बहुत सारे परचे
पंजाब सरकार वालों किसानों ते कीते गए है। ऐसी जिन्नी देर तो संघर्ष चल रहा है, बहुत सारे परचे पंजाब सरकार वालों किसानों ते कीते गए है। ऐसी जेड़ा भी परचा किसान अंदोलन दे नाल संबंधित है, वो सारे परचे रद्द कर रहे हैं। ये सरकार वालों आज फैसला ले लिया गया है। इस दे नाल नाल अगे तो ऐसी चाहते हैं कि पराली नूं कोई किसान अग ना लावे, ते इस गल दी सख्ती भी सरकार करेगी। लेकिन अज तक पुराने जे कोई पराली दे नाल संबंधित किसी ते परचा है अग लाउण लई, वो ऐसी कैंसल कर रहे हैं। लेकिन अगे नूं मेरी किसानां नूं बेनती है कि कोई भी किसान पराली नूं अग ना लावे, इहदे नाल प्रदूषण फैलदा है। ये सरकार नूं ये लाजमी करना पैना कि कोई भी किसान अग ना लगावे। लेकिन अग पुराने जिहड़े है वो गल्लां खत्म कीतियां जा रही है, सारे परचे खत्म। किसानां दीआं इस तरीके दे नाल सारियां मंगां नहीं मन्नियां जिहड़ियां कि अज मन्नियां गईआं, और उन्होंने मैनूं कहा है कि अज सानूं लग्गिया है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री बणिआ है जिहड़ा किसानी दे हक विच काम करदा है, जिन्हें खेतां बारे हर चीज़ की नॉलेज है। किसान यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, ते अपनी सरकार जिहड़ी कि असल दे विच पंजाब दे लोकां दी सरकार है, आम लोगों की सरकार है, उस वालों ये वचनबद्धता दोहराउंदा है कि पंजाब सरकार किसानी मुद्दों ते किसान जिहड़ा अंदोलन चल रहा उहदे इहनां दे नाल खड़ी है। थोड़ा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। उहदे बारे भी मैं उन्हां नूं कहा कि असीं विचार करांगे, हालांकि इह लिखती डिमांड नहीं सी उन्हां दी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਨਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੱਕਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕੁਛ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੁਛ ਅਫਸਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ
सारे नाल लेके जा रहे। मैं मुख्यमंत्री बंड तो बाद प्राइम मिनिस्टर साहब नूं जिद्दण मिल गया, सब तो पहली मंग मेरी कोरीडोर नूं लैके सी। जदों होम मिनिस्टर नूं मिलिया सब तो पहली मंग मेरी कोरीडोर नूं लैके सी। उन्होंने मैनूं उसे दिन विश्वास दवाता सी कि असीं इस नूं खोल देवांगे, ते कल नूं खुल रहा है, मुबारक दिन है। मैं प्रधानमंत्री जी का ते होम मिनिस्टर साहब का इस बारे धन्नवाद करदा कि उन्होंने पंजाब सरकार की डिमांड ते, हालांकि होर लोगों ने भी डिमांड रखी है, पर जो ऐसी रखी है सानू उस ते खुशी है कि वह जिहड़ा लांघा खुल रहा है। डिमांड होर ने भी किसी ने भी रखी होवे ये मटीरियल है। बड़ी गल ये है कि जो सिख कौम की अरदास है उन्होंने बोर पै रहा है, तो लांघा कल नूं खुल रहा। धन्यवाद।